नामांकन भरने के अंतिम दिवस सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी नंदाराम ठाकुर ने पर्चा दाखिल कराया तो कांग्रेस से टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक नाथूराम सिनोतिया और मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष एवं भाजपा नेता सुरेश टक ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल कराया। भाजपा कांग्रेस से कद्दावर नेताओं के निर्दलीय खड़े होने से दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत को लेकर संशय उत्पन्न हो सा गया है। सोमवार सुबह 11 बजे पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया आरके कम्युनिटी सेंटर से हजारों समर्थकों के साथ रैली के रूप में रवाना हुए। सिनोदिया एक खुली जीप में कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी, सुभाराती भाई शीतर महाराज, पावलूम एसोसिएशन अध्यक्ष श्री गोपाल सोनी सहित के साथ सवार थे। सिनोदिया का जगह जगह लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। रैली में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी समर्थकों का सैलाब उमड़ा। रैली में कांग्रेस के अनेक नेता, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि और महिलाएं शामिल हुई। दूसरी ओर सुरेश टक के समर्थक रविंद्र रंगमंच मैदान पर एकत्रित हुए, जहां से टक का काफिला रैली के रूप में निकला। जीप में अपने समर्थक कौशल्या देवी, पार्षद राकेश काकड़ा और मार्बल क्षेत्र के रमेश चांडक के साथ सवार थे। टक के काफिले में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नमीचंद जोशी, पूर्व महामंत्री प्रकाश राठी, पार्षद सलीम मोहम्मद सहित हजारों की संख्या में मार्बल व्यापारी एवं युवा वर्ग शामिल हुए। बाजार से निकली दोनों निर्दलीय नेताओं की रैली से बाजारियों ने जीत के कयास लगाने भी शुरू कर दिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नंदाराम ठाकुर ने भी भारी कांग्रेस समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कराने कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में निकले। लोगों का मानना है कि सिनोतिया और टाक के बीच ही इस बार चुनावी दंगल का मुख्य मुकाबला रहेगा। खैर, अभी कुछ भी कहना बेमानी होगी। सभी प्रत्याशियों की तस्वीर 22 नवंबर तक साफ होने के बाद ही चुनावी दंगल का आकलन संभव होगा। आज के माहौल से इतना जरूर है कि भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार चिंतित हो सकते हैं।